ईदी लेंगे भी और आप लोगों को ईदी देंगे भी। आज हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम सारे मेहमानों से कहेंगे भाई हमारे जितने यहाँ पे बच्चे बैठे सबको ईदी दो, ठीक है? और अगर नहीं देंगे तो उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे, ठीक है बच्चों? जो कि हमारे साथ दोनों यहाँ पर अपने अपनी ईद की खुशियां शेयर करने के लिए आ रहे हैं, आपकी बहुत सारी तालियों में सऊद और ज़ेबा। ईद मुबारक आपको, एक बार फिर ईद मुबारक आपको भी, एक बार फिर ईदी। देखा, ये होती है ईदी, सुबह भी यही होता है, ये भाई ईदी दे दे, ये लो। मैं तो तीनों दिन ईदी मांगती हूँ। तो ईद से पहले चांद रात से पहले जो शर होता है वो भी आप लोगों को पता है ना? बिल्कुल। वो तो ईद से पहले की तैयारी और क्या, लेकिन ईद वाले दिन तो अलग खर्चा होता है, उसकी तैयारी तो होनी चाहिए। उसके और क्या, अब तो मैंने सोच लिया ना, मैं तो बच्चों को भेज देती, जाओ बच्चों ईदी लेकर आओ। बच्चों ने ईदी ली, मैंने ली अपने पर्स में रख ली। और पिछले कई सालों से कहीं जमा हो रहे हैं। अच्छा जी, आप लोग आइए, तशरीफ रखिए, ज़ेबा बैठिए। बिल्कुल। और हम चाह रहे हैं कि हम, क्या ख्याल है, अपने सारे मेहमानों को पहले ही बुला लें, एक साथ बुलाते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं, ठीक है? तो अब जिन दो मेहमानों को मैं बुलाने वाली हूँ, हमारे सतरंगी मेहमान, वो सतरंगी कहकरें फैलाते हैं। उनकी खासियत यह है कि जिस जगह जिस महफिल में वो दोनों बैठ जाते हैं वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हंसते ही रहते हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता। तो आपकी बहुत सारी तालियों में आलिया एंड उस्मी। इसने फैसला किया कि आज थोड़ा सा इस तरह भी एंजॉय करके किसी अच्छे इंसान के साथ चले जाते आपको कैसे पता मैं नहीं हूं। तो भाई ईद की खुशी आज हम साथ मनाएंगे। बिल्कुल। आप लोग तशरीफ रखिए ताकि हम अपने दूसरे मेहमानों को बताएं प्लीज। और जी, अब बारी है हमारे एक और जोड़े को बुलाने की। क्या हो रहा है पीछे? अच्छा जी, अब जिन मेहमानों को बुला रहे
रही हूँ उनकी क्या तारीफ करें, उनकी तो पूरी दुनिया तारीफ करती है। हमारी जो एक्ट्रेस है, फिल्म स्टार, मॉडल, एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्या कहना चाहिए जिसको, यारों की यार। और जो उनके साथ हमारे एक और मेहमान है, वो आप सबके फेवरेट है, आप सब उनको बहुत पसंद करते हैं, आप सबके चेहरों पे वो सतरंगी सा मेकअप करते हैं। तो ये एक और दो गेस्ट हमारे सतरंगी गेस्ट, आपकी बहुत सारी तालियों में बायरा और वाजिद खान। और बहुत सारी चीजें भी हैं जो कि यादें बन के रह जाएंगी, और बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे गेम हैं, तो आज हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। सतरंगी ईद मुबारक।
तक थी। है? मैं तुम्हारे साथ गुजर रही है। तो पता चलेगा। अच्छा ये बताओ ईद में बरकत तुम्हारे घर आता है? दोबारा नहीं जाते कोई ऐसी चीज को हाथ लगाए। अच्छा सोच भाई आते हैं घर पे ईद पे आप। आपको कहना चाहिए ईद पे भी नहीं आते। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जाते ही नहीं कहीं, घर पे ही रहते हैं माशाल्लाह। मैं इनको कहती हूँ भाई चले इसके घर जाना उसके घर जाना है, नहीं नहीं बस घर पे ही सही है, घर पे ही सही है, जिसको बुलाना है घर बुला लो। ये बात करो। और बाजी कितनी ईदी दी आज तुमने? जाएंगे तो देंगे, अभी तो यहाँ पर आ गए। अच्छा यहाँ से जाने के बाद देंगे, गड्डी मंगवाई है 1000 वाली। पहले दिन तो घर पे रहते हैं ना लोग, आपस की बात है। तुम सुनाओ आलिया। बस मेरी तो जब से शादी नहीं हुई उनकी पहले भी, हाँ वो जरूर वाजिब वाली बात है कि गड्डी जरूर आनी होती 500 के नोट वाली। अच्छा बता दिया। बच्चों को आजकल के दौर में आप 500 100 के भी दे देना तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, 5 नोट मिले। तुम ये बात करो, हमारे एक मामू बेचारे आज तक हमें वही 50 का नोट ही देते हैं। 50 पापा 100 मेरे मामा को इतना बेवकूफ बनाते, बार बार कहते नहीं मिला। सबसे बड़ी हूँ लेकिन ये कि मेरे मामू है वो माशाल्लाह लाजमी ईदी देते हैं, तो मेरे पैसे सिर्फ मामू की तरफ से आते हैं, बाकी कोई मुझे पैसा नहीं देने पड़ते। मायरा कितने प्रोडक्शन हाउसेज है जिन्होंने तुम्हारी ईदी रोकी हुई है? उनके लाख रुपए लगे हुए बहन, उनके लिए रुपए अम्मी ईदी देती है अभी भी? मुझे तो कोई भी ईदी नहीं देता। आप रुक जाओ, पहले बताया होता। देखो सबसे मांगती हूँ लेकिन ईदी तो नहीं मिलती। नहीं मिलती ईदी? हाँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, तो ऑफकोर्स एक्सपेक्ट करते हैं सबके मैं ईदी नहीं मिलती। अच्छा भाई ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चियाँ हमारे यहाँ पे बैठी हुई है और इनके लिए हमने ईदी इनके लिए हमने ये चूड़ियों के सेट मंगाए हैं, ईदी के तौर पर हम देंगे तो बरकत उसमें ही बाजित सब। आप चारों बच्चों को ईदी दे दें। कपड़े होते हैं वो भी खराब कर रही है तो किस तरह करेंगी? बहुत सारी तालियां।
ये मेरी दुकान है जी। अब मुझे की दुकान का मीरा की मैं चल के आ रही हूं। चल के आ रही है, ठीक है। अच्छा कोई कपड़ा भी होना चाहिए ना, मैं इसके मुंह पे मारूं ना। हां तब तो जरा जरा कैरेक्टर में दम भरेगा ना। क्या हो गया? तो मेरा हाउस है भाई। भाई मेरा मतलब दुकान में आई है, आप कह रहे गेट आउट माय हाउस। हाँ फिर भी गेट आउट। ओके तुमने क्या किया यार? अभी किया ही तो नहीं है, वही करने के लिए तो लेट किया। दिन इतना टफ कंपटीशन होता है, उधर से शायदा जी पहन जाएंगी कोई ब्रांडेड जोड़ा, इधर से नरगिस जी पहनेंगी, तो मैं क्या पहन? हुआ क्या, हुआ क्या? ये बहुत छोटे हैं कपड़े, फिट नहीं आ रहे। क्या बात कर रही है, आपके लिए बड़े हैं ये, क्या हुआ? मैंने तो यही सोच के सिया था कि मेरे ध्यान में था, मैंने कहीं बड़ा तो नहीं सी दिया। छोटा इधर से छोटा तो चलेगा। हाँ बट ये कि यू नो इधर से आपने बहुत छोटा कर दिया, तो चढ़ नहीं रहा। अच्छा, अब मैं क्या करूँ? अब कल ईद है, ईद के दिन मैं क्या पहन सकती हूँ? आई एम सो सॉरी, गेट आउट। मीरा जी मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई कांट स्पीक। ओह यू शट अप। ओह थैंक यू। तुमने अंग्रेजी क्यों बोली? इंग्लिश तो सिर्फ मैं बोलती हूँ, इसलिए तो बोली। इस होल पाकिस्तान में अगर किसी को राइट है और लेफ्ट भी है तो सिर्फ मुझे ही है इंग्लिश बोलने का। आपको ख्वाब भी इंग्लिश में आते हैं उर्दू में आते? अल्लाह का शुक्र है, ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी पहली मूवी कर रही थी। सुनो इतना मजा आया, मुझे भी आ रहा है, दोबारा करें। और मेकअप आर्टिस्ट और सब लोग खड़े हुए और क्लैप कर रहे मेरे लिए खड़े होके। पूछो क्यों क्यों क्यों? कि पाकिस्तान की ये पहली आर्टिस्ट है जो इतनी ग्रूम्ड और पढ़ी लिखी है। मीरा जी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप ये दोबारा पहन के देखें, आपको आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। खुशो ईद पे आना, मैं ईदी भी दूंगी। अच्छा मैं ईद पे भी आऊंगा। जिस तरह का शटअप था तो उसको शट उतारनी थी। अच्छा जी इनकी सिचुएशन ये है कि हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है आयशा सना, सब जानते हैं उनको। नहीं ये मेकअप आर्टिस्ट है और ये आयशा सना है और ये ईद ईद में किसी के घर जाने के लिए पार्टी में इनसे मेकअप कराने आई है और इनके मेकअप और बाल खराब कर दिए हैं। मतलब क्या है मेकअप आर्टिस्ट? अच्छा ये मेकअप वाला ये क्या फिदा है इन पे? ये अभी एक मिनट एक 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 मिनट एक मिनट एक मिनट ये हो गया ये। हाँ अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरी याद कब आती है? क्या कह रही है? तुम्हें मेरी याद कब आती है? जब अम्मी कहती है ना आने दे तेरी बीबी को, घर के सारे काम उसी से करवाऊंगी। नहीं अच्छा वहाँ बात कर रही है। अच्छा 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 मैं समझा मुझसे बात कर रही है। सॉरी सॉरी मैं समझा मुझसे बात कर रही है। मेरा शो है ना, बस मैं जाने वाली हूँ, बाल बनवाने आई हूँ। ये नो बाल तो बनवा के आई थी। क्या कर रहे हैं आप? क्या आराम से बाल बनाए? हाँ नहीं नहीं मैं तो बहुत पोलाइट बोलती हूँ, आपको तो पता है ना। किसने बना दिया तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट है? किसने बना दिया? कहाँ जाओ? तुमने देखा नहीं? मैडम थोड़ा दूर है, सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है मेरा। मैडम पता है क्या? मैडम आते हैं ये आप यूँ आ करें तो उससे बाल पीछे दब जाते हैं। देखिए मैडम मैं आपसे कहता हूँ, आप प्लीज मेरे, मैं बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आप प्लीज आप अच्छा एक काम करें, इन बालों को भी ब्राइट कर दे प्लीज। ब्राइट करूँ? हाँ प्लीज। अच्छा। इसमें तो रोशनी डाले, रोशनी 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 डाले ना। एक मिनट टॉर्च है इसमें ठहरेंगे। आपको मेकअप आर्टिस्ट किसने बनाया है? कौन से चैनल ने आपको भट्टी किया है? हालात ने बनाया।
देखिए मैडम, पता है क्या मैडम, गलती हो जाती है। देखिए आप मुझे अपने अपने दिल में मत रखिए प्लीज। मैं कहाँ रखूँ मैं आपको? आप दिमाग में रखें, क्योंकि खाली जगह में खुल के रहने का अलग मजा है। ज़ेबा के लिए आइए, आपको बॉर्डर पे छोड़िए। अच्छा जी, पंजाबी फिल्म के हीरो हैं जो कि सेट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन डायरेक्टर अभी तक नहीं पहुंचा है और वो बड़े गुस्से में हैं और हर एक को सुना रहे हैं, ये वो चीजें तोड़ रहे हैं। और अचानक जब डायरेक्टर सामने आता है तो वो आता नहीं, आती होती है, वो लड़की होती है, तो उसके बाद उनका क्या हाल होगा ये देखना है। यार ये डायरेक्टर नहीं आया, भाई डायरेक्टर किधर है? ये रहे। तू डायरेक्टर है? इस बार अभी आ रहे यार, हो गई है स्क्रिप्ट पढ़ने की आपकी लाइन है, ये लाइन है आपकी। सर आप इतनी देर मेकअप करवा लें, कहाँ से करा लें, कौन करेगा मेकअप मेरा? यार मेकअप देख लो, बुला लो मेकअप, क्या मुझ चाहिए खाली, और कुछ नहीं चाहिए, मुझ है कोई? मुझे लगा डायरेक्टर साहब आ रहे हैं उनके पास है। यार पता नहीं कितने मर गया वो, आज इधर आज मैं देखना उन्हें, दसना मैं कितने का आन रहा हूँ, आन रहा हूँ आपने अपना आज का स्केड्यूल चेक कर लिया? कौन है? सीन्स जो हमने आज करने, वैसे तो हमने लाइन आपकी तारीफ कर रहा था, मैं कह रहा था बहुत शुक्रिया, मैं भी बहुत एक्साइटेड। मैंने आपकी कोई फिल्म नहीं देखी माशाल्लाह। अच्छा हूँ मैं आपका फैन हूँ, अभी आप इतना गुस्सा कर रहे थे। अच्छा वैसे मैंने सीन्स तो 5 निकलवाए थे, लेकिन अगर आप थक जाएं या कोई टाइम का शॉर्टेज हो तो कोई बात नहीं, हम 3 सीन्स भी कर सकते हैं आज। नहीं आज 5 ही करने हैं मैडम, बहुत बड़े एक्टर हैं, सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं आए दिन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो फिर हम, आप बैठ जाइए अपना मेकअप आपका, मैं रेडी हूं आप, ठीक है? तो मैं सीन अपना प्लान करवाती हूं तो हम लोग काम शुरू करते हैं। ठीक है जी, मैं रेडी हूं, मैं आज की जाऊंगा ही नहीं, मैं इधर ही बैठा हूं। अच्छा ओके। अच्छा जी अब आखिरी सिचुएशन, और मायरा देख रही है कि पता नहीं क्या निकलने वाला है मेरे हिस्से में, है ना? नहीं, इससे तो वही करवाओ जवेरिया है, इससे तो वही करवाओ। वही जो मैंने कहा था, निकलने दो आज। ये भी कुछ है इसी तरह की सिचुएशन है, रीमा जी बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आई है फिल्म करने, और उनको पता चला है कि राइटर ने जो है वो उनके बजाय मीरा जी का बड़ा रोल लिख दिया है, तो अब राइटर के साथ वो क्या सलूक करने वाली है ये देखना है हमने। आ जाइए वाजिद साहब, वाजिद का गेटअप बिल्कुल राइटर सुने? मीरा जी आपका सीन बढ़ गया है। कहाँ जा रहे हो? आपका सीन बढ़ गया है मीरा जी, और आपने वहां से आना है, उनको डायरेक्टर आपको बता देगा आपका सीन है। अस्सलाम वालेकुम रीमा जी, कैसे हैं? मिस्टर राइटर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह के फजल करम से मैं रीमा आपसे और आप सबसे मुखातिब हूँ, कहना चाहती हूँ अमेरिका में इतने सालों रह के आए, अब मेरे साथ यू कैन नॉट डू दिस टू मी। नहीं आपका जिस तरीके से आप समझ नहीं रहे, अभी तक आपने मेरे अच्छी साइड देखी है, बुरी साइड नहीं देखी। समझने की कोशिश नहीं करी मैंने। मैं आपको कुछ कह रही हूँ राइटर साहब, आइए पैटीज खाइए, ये देखिए पैटीज। नहीं नहीं हमने फिल्म की स्टोरी पर खाइए, मीरा को हटाइए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी ईद मुबारक।
नाम है, जोड़े नाम माला बोलो बदनाम है, मेरे दिल में तुम्हारा क्या काम है। ममद अली, आज ममद अली खुश पता क्यों है? फेसबुक पे किसी खातून ने इसकी पिक्चर को लाइक किया है। इट्स वेरी हैप्पी नाउ एंड हम हमारे ईद का मौका है क्या? ईद का मौका है नहा लो बस, जब ईद आएंगे आप ना मनाएंगे। मोहम्मद अली ने समंदर में छलांग लगाई, सारी मछलियां आपस में टकरा गई, वो करिए लाइन किसने बन की है। रियलिटी शो हो रहा है। आज तो बैठने आज दिल चाह रहा है दूसरे शो में जाएं फौरन। और जी इतनी बहुत मजेदार है, सिर्फ आपने ये करना है कि ये स्टिक्स हमारे यहाँ पे सामने पड़ी हुई है, इनसे जो है आपने जो है वो बलून फाड़ने और अपनी ईदी जमा करनी है। और ईदी जमा करके जितने भी सामने बच्चे बैठे उनको देनी है। सब एक साथ जाएंगे और देखते हैं कि आप लोग कितनी देर में एक साथ कितने बलून जो है वो फाड़ के ईदी ढूंढेंगे। चलिए जी। नहीं 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 ये
मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोग को आज ईदी मिलेगी और आप लोग को आज ईदी मिल रही है। मिल रही है, बच्चे खुश है। ऐसे नहीं बच्चों, शोर मचा के बताओ कितने खुश हो। आप क्या कह रहे हैं? वाजिद जो है ना आइंदा से इसको लेके जाएंगे पैसे लूटने के लिए। पैसे उठा लिए नीचे से ना मजे से बगैर किसी झिझक के यार कोई इंसान को एहसास होता है ऊपर वाले कुछ खाने पीने में लगे हुए हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। एक बार फिर मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी अपना टीवी ऑन किया है, तमाम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को, बहनों को, माओ को, बेटियों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को एक बार फिर ईद मुबारक कहते हैं सतरंगी की तरफ से, एक्सप्रेस की तरफ से। छोटी सी ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और मेरे साथ कहिएगा सतरंगी ईद मुबारक। चीजें हो रही हैं यहाँ पर और इसी तरह का मजे का एक गेम आपको हमारी पिछली ईद की याद दिलाएगा और वो है सांप सीढ़ी। आज ये खेलेंगे हमारे आर्टिस्ट और जो भी सीढ़ी पर चढ़ेगा उसको हम 100 रुपए की ईदी देंगे और ये लोग जितनी भी ईदी जमा करेंगे सब आप लोगों को देंगे। खुश हो जाए आज, क्योंकि हमारी दो टीमें हैं। पर भाभी जिसको सांप काटेगा उसको चेक नहीं मिलेगा। ठीक है तो भाई एक टीम है हमारे लड़कों की, आइए जी तशरीफ लाइए, और एक टीम है हमारी लड़कियों की, आ जाइए। आपने लड़कों की टीम का सोच भाई को तो बिठाए वहां। चले जी शुरू करते हैं, लेडीज से चले। हाँ लेडीज से लड़के लड़के। अरे हर बात पे नहीं किया करना, बहस से उठा जल्दी से। चले कौन देखेगा? चले वो, चलो भाई मायरा देखो चलिए जी फेंकिए, क्या आना चाहिए? तीन आना चाहिए, तीन आना चाहिए, तीन 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 आना चाहिए, तीन तीन। जगह बनाओ भाई, डबल डबल सवारी खुली भी आप जाए। प्रसाद मिलेगा, जोर से उस्मा, जोर से चार।
चलिए एक नंबर सांप आएगा सांप एक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लाइन बनी है यार देखिए प्लीज कोई बदतमीजी नहीं करेगा मेरे साथ फैमिली है प्लीज चलो चलो सामने चार तीन चार आगे ग्यारह पे फोर होंगे सबकी ये बरकत भी इसीलिए आएगा क्योंकि आजकल हम साउथ भाई के साथ ही चलने लगे चले जी उस्मा बहुत उछाला ओए ओए वाह वाह आ जाओ बेटा इसी पे आ जाओ इसी पे हो इसी पे हो चार पांच छह चलो दस पे आ गए भाई सौ रुपए और आपको भी सौ रुपए मिलेंगे आलिया आप ग्यारह पर हैं अब मेरी बारी अब देखना मेरा क्या आएगा मेरा आएगा नील पटेल आपकी बारी क्या कहा था वैसे क्या आगे कर ले वो तो सांप ही लगता है वैसे चलो भाई जोर से जगह है इधर हाँ जगह है पांच और दो और सीढ़ी 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 आ गई एक और सीढ़ी सात सात नंबर और सौ रुपए की दीजिए माँ के लिए सारे सात तीन हाँ कैसे एक और सात एक और तीन और जी सांप से नहीं खत्म हुआ हमारा मजा आ रहा था और जिन लोगों के पास जितनी भी इंडिया बच्चों को बांट दीजिए आइए जी वाजिद खान साहब वाजिद में लगा बच्चों से छीन रहा था मैं खड़ा कैसा कैसा लगा आपको एक जगह पे एक साथ जमा होना बहुत मुझे लगा तो शायद एक आगे ले जाऊं और यही पल होता है जब आर्टिस्ट एक साथ इकट्ठा होना और मैं तो दुआ करूं कि सारे पाकिस्तानी जो है ना यही गेम खेला करें और इसी तरह खेला करें
मैं ये कहता हूँ मेरे अल्लाह जो है ना महंगी घड़ी सबको दे, महंगी घड़ी सबको दे मगर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। अरे सऊद ने किसी और को भी दी यही घड़ी, मैंने कही और और उससे कह रहे थे मेरा भैया कितना कंजूस है, मैं जानती हूँ कि चोर को नहीं दे सकते। मुझे ये भी बहुत बड़ी बात है। और भाई एक गाना क्यों ना हो जाए अमजद और मोहम्मद अली को इतना सा गाना। मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए मन, वो सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो तन। वो मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए मन, वो सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो तन। मोहब्बत जान मांगे कभी इंकार ना हो, किसी की हार ना हो, उसने जमाने में हम घूमने कम। ओ मस्ती के दिन है चलो झूमे गाए हम। क्या हो गम मोहब्बत जान मांगे कभी इंकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो, उस सारे जमाने में हम नहीं दम। ओ मस्ती के दिन है चलो झूम लगाए हम। मजबूत
मटके की तरह लोटा। मेहमान आए गरम चाय बनाओ लोटा। पेट खराब हो लोटा, आउटडोर लोटा, शरबत लोटा। अरे एक मिनट, इलेक्शन लोटा, मैं लोटा, मेरे वॉशरूम का लोटा कहाँ ले गई तू? जी मैं लोटे की सारी खूबियां तो उन्होंने बता दी। आप भी बताइए ना कितनी खूबियां इस लोटे में। अच्छा, इस लोटे की क्या खास बात है कि तुझसे नहीं मिल रहा ये लोटा? वैसे तो लोटे में बहुत सारे लोग दिमाग में आते हैं जो कि लोटे हैं यहाँ पर, तो उनको उनको दिमाग में रख के आप ये लोटा बेचिए। ये ऐसा लोटा है बे पहने का जहाँ जाए वहीं पे गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, लुढ़क जाएगा। ये लोटा है जो कि अगर आपके घर में ना हो तो आप लोट पोट हो जाते कभी कभी। तो भाई अब आप लोग बताएंगे किसने कितना अच्छा बेचा। ठीक है, पहले तो इन दोनों ने बेचा, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और अब बारी है भाभी को गाना चलाते ना, उसको लेके परफॉर्म कर लेंगे प्रॉपर। आलिया और उसमें की ये क्या इमली है भाई? आप लोगों ने गाना गाना कुछ भी करना है वहां जाके करें। ये क्या इमली? इमली 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 एक ही चीज बेचनी, एक ही चीज बेचनी है दोनों ने। चले इमली ले लो। ये इमली ले लो, इसका जायका होता है खट्टा, लेकिन जो ज्यादा खाए वो मीठा हो जाता है भाई। इमली चाहिए इमली किसी को? आगे देखो रमजानों में इस्तेमाल भी किया फिर भी इतनी बच गई। साहब ले लो, ये पकौड़ों में डालो, पकौड़ों में डालो, छोलों में डालो। इस इमली की खूबी ये है कि ये अच्छे अच्छों के दांत खट्टे कर देती है। ये बहुत ही आला इमली है भाई, मैंने खुद बनाई है। ये भी खुद बनाई है तुमने? पैकिंग खुद की है, पैकिंग खुद की है। खुदा के लिए ये इमली ले लो, नहीं तो मैं घर ले जाऊंगी। ले ले तो खा के देखो मजा ना आए, पैसे वापस हो गई शाम ढल गए दाम। लो लो बाजी देख लो। अबे कोई भी नहीं आ रहा यार। देखिए आपको पता है झाड़ू कितने काम आती है, घर की सफाई के काम आती है, क्या कहते हैं झाड़ झाड़ पोछ के काम आती है। ये वही है हाँ, जो भी आपके अरमान हो उस पे झाड़ू फेर दें, झाड़ू फेर दें, घर में जाए झाड़ू फेर दें, बिल्कुल सफाई के लिए झाड़ू फेर दें। और अगर बीवी ने बहुत सारे अरमान बनाए तो मियां आके उसे भी झाड़ू फेर दें। और मियां की पिटाई भी होती है झाड़ू से, बहुत जबरदस्त पिटाई होती है। पिटाई में कितनी खुश हो गया। ओए होए आ जाओ यहां के झाड़ू से पिटाई मियां की बहुत अच्छी हो सकती है। मैं तो यही खैर बता सकती हूँ लोगों को, मेरा यही एक्सपीरियंस है। मियां से मियां की पिटाई झाड़ू से बहुत अच्छी, चुटकुली मारी जा सकती है। इससे कॉकरोचेस भी मारे जा सकते हैं, सफाई भी हो सकती है, जो दिल चाहे कर सकते हैं, जाले भी साफ कर सकते हैं, जाले साफ कर सकते हैं। दिल पे लगे जाले साफ हो सकते हैं? नहीं नहीं है तो क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे, काम सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों। चले जी बहुत सारी तालियां, बहुत और जी अब आ रही है बरकत और उज्मा की, और ये बेचेंगे पेट साफ करने वाली फक्की। इसको खाइए पेट साफ, आपका चेहरा साफ, आपके आपके दाने साफ, और हस्बैंड को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपके हस्बैंड साफ। अगर आपके हस्बैंड के पेट में बेशर्मी है, उनकी आंखों में बेहयाई है, उनके चेहरे पे फिटकार है, तो ये फाकी फिलाइए, सारी मनुष्यत एक मिनट में खत्म हो जाएगी। आपका शौहर घर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, झूठ बोलता है, है ये मेरी बेगम है, ये फाकी बेचेगी, ये फाकी बेचने घर आती है और वापस नहीं आती। जाए भैया, इसको भी बातें खुजाना भी पड़ता है।
सबसे ज्यादा वाजिद और मायरा ने, मुझे ज़ेबो और सऊद ने, आलिया और उज़्मी ने, बरकत और उज़्मा ने। अब आप लोग मुस्तकबिल में एक भक्की की दुकान खोल लें। और जी मजा आ रहा है, वैसे मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है हम लोग ये हरकतें करते हुए देखकर। और जी एक एक्टिविटी और हमारी, और वो एक्टिविटी ये है कि हम गाने लगाएंगे मुख्तलिफ किस्म के, और जो फास्ट गाना होगा उस पे स्लो परफॉर्म करना है, और जो स्लो गाना होगा उस पे फास्ट परफॉर्म करना है। तो भाई सबसे पहले लगाएंगे गाना आप आलिया और उज़्मी के लिए। आइए आज कितना परफॉर्म करना पड़ रहा है, हद हो गई है। ईद का दिन है, खुशियां मनाओ। चलो जी चलो, क्या कर रहे हैं तुम सब? एक छोटी सी पार्टी रखी है ऐसी जगह। मजा आ गया भाई। और जी अब बारे उज़्मा और बरकत।
और जी ब्रेक में जाने से पहले हम एक्टिविटी कर रहे थे जिसमें था जी के फास्ट गाने पे स्लो डांस करना, स्लो गाने पे फास्ट डांस करना है। तो गलती अभी क्या हो जाता है, होस्टिंग भी फास्ट स्लो हो सकती है, क्यों नहीं क्यों नहीं। और अब रह गए हैं जेबा और सौ, दोनों की बात जीतेगा भाई जीतेगा। ईद का प्रोग्राम साल में एक ही बार होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम
हमेशा आपके लिए ऐसे प्रोग्राम्स पेश करें जो कि आपको एंटरटेन भी करें, जिनमें आपको मजे भी आए, जिनमें आप अपनी बातें भी सुने, वो बातें जो आपके घरों में की जाती हैं, वो बातें हम अपनी बातें शेयर करें आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच बरकत, थैंक यू सो मच उज़्मी, थैंक यू, शुक्रिया वाजिद, थैंक यू मायरा, आलिया बहुत शुक्रिया, ज़ेबा थैंक यू, ज़ेबा अलग ही नजर आ रही है पीछे लंबी कुड़ी, थैंक यू उज़्मा, हमारा भी बहुत शुक्रिया। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं वो से तो कह दें, आपकी तरह सबसे आखिर में आपका शुक्रिया अदा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपकी बीवी का शो है तो आपका भी शो है, आप इन सबका शुक्रिया। और बीवी आपने कहा इनका भी शो, इन्होंने भाग भाग के जो काम किया सबूत दे दिया, घर पे भी यही करते हैं। देख लो यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सही बात, सोच ले अभी भी शादी नहीं करना। आप लोग क्या कहना चाहेंगे आवाम से जब आपको देख रहे हैं आज जो लोग बैठे हैं? बस मेरी तरफ से आप सबको और जो लोग इस पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद खुशियों का नाम है, मोहब्बतों का पैगाम है, तो ईद को मिलजुल कर मनाइए। हम सर की तरफ से भी ये पैगाम है कि मोहब्बत बांटे, खुश रहें, और ये हमने सब कुछ आपके लिए किया था, प्लीज इसको हंसी हंसी देखें और कबूल कीजिए। हाँ मेरी तरफ ये कि जियो और प्लीज जीने दो, एक दूसरे से प्लीज इरिटेट मत हो, ईद पर तो कम से कम ना हो, जितना हो सके खुश हो और एक दूसरे को माफ करो। हाँ जी मेरा ईद मुबारक, ईद मुबारक, इतना बड़ा पैगाम दिया है इतने बहुत सारी मैंने कहा कि प्रेम अच्छा बन जाएगा। क्या कहोगे ज़ेबा? मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, तमाम मुसलमानों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में स्पेशली हम सब बहुत खूबसूरत ईद मनाएं, अल्लाह आप लोगों को बहुत खूबसूरत ईद मनाने की तौफीक दे। हाँ जी बरकत। बस मैं ये कहूंगा, इनसे कहूंगा एक दिन सबको मरना है तो आप मुझ पर ही मर जाओ। वाजिद ईद मुबारक, खैर मुबारक, अरे वाह वाजिद बहुत सुपर हो गए, चारक नाच नाच के ईद मुबारक। मुझे बरकत की बहुत फिक्र है ज़ेबा, प्लीज क्या नहीं सर, खुशियां बांटे, ईद मुबारक मेरी तरफ से। और जी एक बार फिर हमारी टीम की तरफ से, एक्सप्रेस की तरफ से, सतरंगी की टीम की तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से सतरंगी ईद मुबारक। इश्क़ दीवाने इश्क़ दीवाने नशीली है रात आँखों में हाथ, आओ सजा दे ये रात, झूमे गगन बहक से बदन नाचे गाए दीवाने, आहा आहा दीवाने, हमारी आवाज मोहब्बत का साथ, आओ सजा दे ये झूमे बदन। Yeah.